मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कोडन बायोलॉजी क्लासेस में। आज के डिस्कशन का टॉपिक है कि DBT-JRF के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में 2016 से 2018 तक में किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। जैसे सिंपली देख सकते हैं कि सिंपल मैथमेटिक्स और एबिलिटी से 7 क्वेश्चंस आते हैं, 2016 में आए थे। 2017 में 6 क्वेश्चंस आए थे, 2018 में 7 क्वेश्चंस आए थे। उसी तरह से सॉल्यूशन और मोल कॉन्सेप्ट से 2016 में 3 क्वेश्चन आए थे, 2017 में 3 क्वेश्चंस आए थे, 2018 में 2 क्वेश्चंस आए थे। इंजाइमोलॉजी में 2016 में 5 क्वेश्चंस, 2017 में 4 क्वेश्चंस, 2018 में 5 क्वेश्चंस आए थे। जीन कॉन्सेप्ट और इनहेरिटेंस ऑफ डिजीज और इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर से संबंधित क्वेश्चंस जो होते हैं वो 2016 में 5 क्वेश्चंस आए थे, 2017 में 2 क्वेश्चंस आए थे, 2018 में 3 क्वेश्चंस आए थे। इसी तरह बहुत सारे इंपॉर्टेंस टॉपिक हैं जिससे हर साल एक ही तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आइए एनालाइज करते हैं और देखते हैं किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ताकि उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग अच्छे से रिवाइज कर सकें। बातों बातों में हम लाइक करना तो भूल ही जाते हैं, प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। सभी क्वेश्चन का हल जानने के लिए और एनालिसिस समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें, अंतिम तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं। सेक्शन ए में 50 क्वेश्चंस होते हैं जो कंपलसरी होते हैं, उसमें से जनरल एबिलिटी के किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, टू साइड ऑफ ए आइसोस्केल्स ट्रायंगल मेजर 3 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। दो समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कि 3 सेंटीमीटर एक भुजा है, दूसरा 7 सेंटीमीटर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ थर्ड साइड। तो इसके रिगार्डिंग एक थियरम है कि दो साइड्स का जो सम होता है वो तीसरे से हमेशा बड़ा होना चाहिए, और अगर वो आइसोस्केल्स ट्रायंगल है तो जो इक्वल साइड्स होते हैं उसके सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए। तो अगर दो साइड्स हैं किसी ट्रायंगल के, ए बी तीसरा सी है, तो हम लोग कहेंगे कि ए प्लस बी ग्रेटर होगा सी से। तो क्वेश्चंस कहता है कि इट इज ए आइसोस्केल्स ट्रायंगल, तो थर्ड साइड या तो 3 होगा या तो 7 होगा, और जो इक्वल होगा उसका जो सम होगा वो तीसरे से बड़ा होगा। तो वैल्यू पुट करते हैं और चेक करते हैं। अगर तीसरा 3 मानते हैं तो 3 + 3 = 6, जो कि 7 से छोटा है, वो ग्रेटर नहीं है, इसका मतलब 7 मानना पड़ेगा। अगर 7 मानते हैं तो 7 + 7 = 14, जो कि 3 से बड़ा है, इसका मतलब पहला गलत है 3 मानना, दूसरा 7 मानना ही करेक्ट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है कि एट 9 AM 9 बजे सुबह शैडो ऑफ ए 5 फीट टॉल बॉय इज 8 फीट। ये फिगर में देखते हैं, एक टॉल बॉय 5 फीट का है जिसका कि 8 फीट शैडो है। उसी समय एक फ्लैग पोल है जिसका शैडो 28 फीट का होता है। तो फ्लैग पोल की हाइट क्या होगी? इसको सिंपल वे है इसको निकालने का कि इसका रेशियो लेके हम लोग निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हाइट पोल का, हाइट जो है वो पोल का वो एक्स फीट है, तो तब हम लोग लिख पाएंगे कि 5/8 = x/28। सॉल्व करने पे एक्स का वैल्यू निकलेगा 17.5 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नंबर शुड अपीयर नेक्स्ट इन दिस सीरीज। सबसे पहले सीरीज को लिखते हैं और सीक्वेंस ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो ढूंढने पर हमें पता चलेगा कि इसमें एक के बाद एक जो है उसमें 2 ऐड हुआ है सभी में, और अल्टरनेट सीरीज में देखेंगे तो अल्टरनेट में भी इसमें 2 ऐड हुआ है। तो इस सीरीज में से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 14 होगा, करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू नंबर आर मोर देन ए थर्ड नंबर बाय 20% and 50% रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू नंबर इज। सपोज दैट कि थर्ड नंबर जो है वो x है, तो फर्स्ट नंबर होगा x + 20% ऑफ x एंड सेकेंड नंबर होगा x + 50% ऑफ x। दोनों का रेशियो निकालेंगे, फर्स्ट नंबर बाय सेकेंड नंबर, तो उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर हमें रेशियो मिलेगा
4:5 रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो द अनरिटन नंबर। सीरीज को पहले लिखते हैं, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम लोग जाना चाहेंगे तो सेकंड नंबर ही मिसिंग है तो प्रॉब्लम होगी, तो हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन से आते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें एक सीक्वेंस है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इस सीरीज में अगर देखेंगे तो मिसिंग नंबर जो है वो 360 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 4:3 रेशियो। रेक्टेंगल बनाते हैं जिसका एक साइड 3x है दूसरा साइड 4x है, एरिया हो जाएगा 3x × 4x 108। तो x का वैल्यू इससे निकाल पाएंगे हम लोग जिसका कि 3 है, चूंकि x का वैल्यू हमको पता है तो हम लोग साइड भी रेक्टेंगल का निकाल सकते हैं। तो साइड हो जाएगा x का वैल्यू अगर रखेंगे उस पर तो 12 और 9, तो इसके इससे हम लोग पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं, 2 × a + b 42 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, इफ ईच साइड ऑफ ए क्यूब इंक्रीज बाय 1%। तो एक क्यूब लेते हैं जिसका कि मान लेते हैं कि 1 मीटर जो है उसका सभी साइड है, तो इनिशियली क्या होगा, वॉल्यूम उसका 1 × 1 × 1 1 मीटर क्यूब। अब आफ्टर इंक्रीज, इंक्रीज करने के बाद अगर पॉइंट अगर 1% इंक्रीज करेंगे तो ये हो जाएगा 1.01 मीटर एक साइड। तो अब उसका वॉल्यूम क्या होगा, सपोज दैट द साइड ऑफ ए क्यूब वुड बी द 1.01 मीटर इंक्रीज करने के बाद, तो वॉल्यूम हो जाएगा 1.01 × 1.01 × 1.01 = 1.030301। कितना इंक्रीज किया, इंक्रीज वॉल्यूम इज, इसको घटा लेंगे तो परसेंटेज चेंज जो है वो निकला आपका 3.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्रिक वे 3/4 ऑफ इट सेल्फ एंड 3/4 ऑफ ए के जी। एक ईट है जिसकी जो वे क्या आता है वो अपना 3/4 भाग और उसमें 3/4 ऑफ के जी के बराबर है। इस फिगर से इसको समझते हैं तो मान लेते हैं कि एक ब्रिक का एक्स के जी का है, तो एक्स के जी इज इक्वल टू 3/4 ऑफ इट सेल्फ एंड 3/4 ऑफ ए के जी। अब इसको इक्वेशन में अगर लाएंगे तो देखेंगे एक्स इज इक्वल टू 3/4 ऑफ एक्स प्लस 3/4 ऑफ ए के जी। इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा एक्स का वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 3 kg, मीन्स द ब्रिक इज ऑफ 3 kg। नेक्स्ट है, फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट ऑन द रनवे टू फाइनल टेक ऑफ एन एयरक्राफ्ट टेक 50 seconds, टाइम दिया हुआ 50 seconds, ड्यूरिंग दिस पीरियड इट कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, डिस्टेंस भी दिया है 1 किलोमीटर, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लेडर ऑफ 5 मीटर इज स्टैंडिंग अगेंस्ट वॉल। आई इस क्वेश्चन को हम लोग फिगर से समझते हैं, तो एक ट्रेंगल बनता है जिसमें कि एक साइड 5 मीटर का हुआ दूसरा 4 मीटर का। इस ट्रेंगल के लॉ के हिसाब से हम उसका तीसरा साइड भी निकाल सकते हैं जो कि 3 मीटर निकला। अब कहता है कि द इफ द टॉप ऑफ लैडर स्लिप डाउन बाय 0.5 मीटर, अगर वो 0.5 मीटर स्लिप कर गया है तो नीचे बेस में कितना स्लिप करेगा। तो तुम लोग लिख पाएंगे 5² = y² + 3 − 0.5² इसमें क्यों घटा दिए 0.5, क्योंकि 0.5 जो है वो स्लिप कर गया है और y जहां पर क्या है पहले जितना था 4 और जितना स्लिप कर गया उसमें ऐड करने के बाद। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा y का वैल्यू 4.33, मतलब टोटल जो बेस का है वो 4.33 है और पहले ये 4 था तो कितना इंक्रीज हो गया 0.33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन जॉग्स फ्रॉम हिज होम टू द प्लेग्राउंड एट 6 km/h। ये फिगर से समझते हैं, वो घर से जाता है 6 km/h की रफ्तार से और फिर वो लौट के आता है 4 km/h की रफ्तार से, तो एवरेज स्पीड उसका क्या है। स्पीड निकालने के लिए हमें चाहिए डिस्टेंस, हमें चाहिए टाइम। तो मान लेते हैं कि वो x किलोमीटर डिस्टेंस है तो इससे टाइम निकल जाएगा हमारा, तो जाने का टाइम कितना हो जाएगा,
डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस x है, स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है, तो x बाय 6 और आने का समय हो जाएगा x बाय 4। तो टोटल टाइम कितना हो गया टेकन, 5x बाय 12 सेकेंड। अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस है, टोटल टाइम है, तो एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे 4.8 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इक्वल टू द 3 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। एक एक करके सबको चेक करते हैं। फर्स्ट है 15, 1 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 टाइम्स इज इक्वल टू 18, विच इज नॉट इक्वल टू द 15, ये गलत है। दूसरा है 12, 1 प्लस 2 3 इंटू 3 9, वो भी बराबर नहीं है अपने डिजिट के, ये भी गलत है। तीसरा है 24, 2 प्लस 4 6 इंटू 3 18, जो कि 24 के बराबर नहीं है, ये भी गलत है। डी ऑप्शन है 27, 2 प्लस 7 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इक्वल टू 27, जो कि अपने डिजिट के बराबर है, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैग में 4 लाल बॉल, 5 हरे और 7 येलो बॉल्स हैं। इफ टू बॉल आर पिक्ड साइमल्टेनियसली, एक साथ अगर दो बॉल को निकाले रेंडमली, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों बॉल हरे हों। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस। सपोज दैट पहले हम लोग टोटल नंबर ऑफ बॉल निकाल लेते हैं कि कितने बॉल्स हैं। तो 16 बॉल्स हमें दिए गए हैं। सबसे पहला इसमें दो चीज़ ज़रूरी है कि नंबर ऑफ वे ऑफ पिकिंग कितने तरीके से उठाया जा सकता है। दूसरा, इवेंट ऑफ पिकिंग टू बॉल्स, कितने इवेंट बनेंगे जिसमें से दोनों जो होंगे वो ग्रीन होंगे। इस फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूलाज निकालेंगे तो हमें निकलेगा नंबर ऑफ वे ऑफ पिकिंग इज 240/2, इवेंट ऑफ पिकिंग टू बॉल्स बोथ विच इज़ ग्रीन आउट ऑफ 5 इज 20/2। अब प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ वे ऑफ पिकिंग, तो इट इज 1/12। ए एंड बी टुगेदर कैन क्लीन ए लैब इन 4 डेज इंडिपेंडेंटली, ए कैन क्लीन ए लैब इन 20 डेज, हाउ मेनी डे विल टेक इट फॉर बी टू इंडिपेंडेंटली कंप्लीट द टास्क। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग दो तीन तरीके से बना सकते हैं। पहला है कि सपोज दैट ए कैन क्लीन ए होल लैब इन एक्स डे, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय ए इज 1/x पार्ट ऑफ द लैब पर डे, जो कि दिया हुआ है x 20 डेज। बी के लिए y मान ले तो b का नहीं दिया है जो निकालना है हमें। सिमिलरली सपोज दैट b कैन क्लीन द लैब इन y डेज, सो द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय b इज 1/y पार्ट ऑफ द लैब पर डे। सो a एंड b कैन क्लीन ए लैब इन 4 डेज, इसका मीनिंग है कि जो काम करने का रेट है दोनों का, ए और बी का, वो कितना दिन काम करने से कंप्लीट लैब हो जाता है। तो अलग अलग दोनों का इंडिविजुअल यहाँ पर लिख लेते हैं, 1/x प्लस 1/y दोनों का कंपाइनली रेट है, और वो 4 दिन अगर दोनों काम कर रहे थे तो कंप्लीट लैब हो जा रहा था, होल लैब। वैल्यू रखेंगे 1/20 एक्स का वैल्यू, 1/y इज इक्वल टू 1/4। तो इसको करने पर पता चलेगा वाई इज इक्वल टू 5 डेज। एक और तरीका है इसको बनाने का, सपोज दैट मानेंगे तो वही कि ए कैन क्लीन ए लैब इन होल लैब इन एक्स डे, द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय ए इज 1/x पार्ट ऑफ द लैब पर डे। उसी तरह बी के लिए रेट ऑफ डूइंग वर्क पर डे बाय बी इज 1/y पार्ट ऑफ द लैब पर डे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इंडिविजुअली रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय ए 1/20 एंड इंडिविजुअली रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय बी इज 1/y एंड कंबाइनिंगली जब दोनों काम करता है तो रेट ऑफ डूइंग वर्क कंबाइनिंगली बोथ इज 1/4 बिकॉज ए एंड बी टुगेदर कैन क्लीन द लैब इन 4 डेज। अब हम इसको इक्वल कर लेंगे, सो 1/4 इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/y, दोनों का कंबाइनिंगली रेट क्या है और इंडिविजुअली दोनों को जोड़ देने से वो उसके बराबर होना चाहिए। सॉल्व करने पर निकलेगा वाई इज इक्वल टू 5 डेज। नेक्स्ट है, ए बॉय अपीयर फॉर ए टेस्ट एंड स्कोर 35% बट फेल बाय 10 मार्क्स, इफ ही हैड स्कोर 46% ही वुड पास बाय 12 मार्क्स। तो इसको समझने पता चलेगा कि सपोज दैट फुल मार्क्स एग्जाम का एक्स है,
कंडीशन ये है कि अगर उसे 35 मार्क्स मिले तो उसमें 10 मार्क्स जुड़ने से पासिंग मार्क्स हो जाता। तो पासिंग मार्क्स कितना हो गया, 35% ऑफ एक्स प्लस 10 मार्क्स, 35x/100 प्लस 10, इसको इक्वेशन एक मान लेते हैं। कंडीशन टू ये है कि अगर उसे 46% मिलते हैं तो पासिंग मार्क्स से 12 ज़्यादा मिल जाता है। तो पासिंग मार्क्स क्या हो जाएगा, 46% ऑफ एक्स माइनस 12 मार्क्स, 46x/100 माइनस 12, ये इसको इक्वेशन टू मान लेते हैं। दोनों इक्वेशन से पासिंग मार्क्स को बराबर करेंगे, 35x/100 प्लस 10 एंड 46x/100 माइनस 12। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें x का वैल्यू मिलेगा 200, यानी कि 200 फुल मार्क्स था। अब किसी एक इक्वेशन में x का वैल्यू रखेंगे तो पासिंग मार्क्स हमें मिलेगा 80 मार्क्स। नेक्स्ट है फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। सबसे पहले सीरीज को लिखते हैं, इसके बाद एक तो हमें क्लू मिलता है कि सब स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, लेकिन इससे मिसिंग नंबर जो नीचे है उसके बारे में बहुत जानकारी नहीं मिलती, इस मिसिंग नंबर के बारे में। तो अब हम लोग नीचे नंबर से ऊपर नंबर का रिलेशन जो है वो निकालेंगे। तो देखेंगे कि इसमें 2 जोड़ा गया है, इसमें 3 जोड़ा गया है, फिर इसमें 3 ऐड हुए हैं, फिर इसमें 4 ऐड हुए हैं, इसमें 4 ऐड होना चाहिए तो क्या हो जाएगा 20, और इसमें फिर 5 ऐड इन 25 हो जाना चाहिए जो कि हो जा रहा है। इसका मतलब ये मिसिंग नंबर जो है वो 20 होगा। नेक्स्ट है इफ द 4 डिफरेंट पोजीशन ऑफ ए डिश, नेक्स्ट है इफ द 4 डिफरेंट पोजीशन ऑफ ए डाइस आर गिवेन बिलो, दिया हुआ है तो 4 के अपोजिट क्या होगा। तो हम लोग फिगर ए को देखेंगे तो पता चलेगा कि 5 और 6 तो हो नहीं सकते, तो ऑप्शन ए में 5 है जो कि गलत है, नहीं हो सकता क्योंकि फिगर 1 से साफ पता चल रहा है। दूसरा ऑप्शन है 3, फिगर 4 को अगर देखेंगे तो कम्प्लीटली पता पाएंगे कि 3 और 2, 2 और 3 वो इसके अपोजिट में नहीं है, तो ऑप्शन 2 भी गलत है, ऑप्शन 3 भी गलत है। ऑप्शन 4 में है 1, 1 जो है जब भी 1 दिखा है 4 नहीं दिखा है, इसका मतलब है कि 1 के अपोजिट ही 4 है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, इट मींस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन डायग्राम। स्क्वायर को काउंट करने का सबसे इजी वे है कि आप उसको अपने से एक बार उसको बनाएं। तो पहले उसको ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट स्क्वायर है, अब इसको बीच से डिवाइड किया गया, इसमें स्क्वायर नहीं बना, इसमें ट्रायंगल बना है, फिर इसको दोबारा डिवाइड किया गया तो इसमें 4 छोटे छोटे स्क्वायर बने हैं, इसके बीच में एक और स्क्वायर रखा गया है जिसमें और छोटे छोटे 4 स्क्वायर बने, 8 हो गए, अभी तक 2 बड़ा स्क्वायर इस पर रखा गया है जिससे 8 स्क्वायर बने हैं, अब एक स्क्वायर को टेढ़ा करके रखा गया है तो इससे कोई नया स्क्वायर नहीं बना, ये खुद ही एक स्क्वायर है, बस वही है। अब इसको कट किया गया है तो इससे कट करने से भी स्क्वायर नहीं बनता है, ये रेक्टेंगल बनता है, जब दोबारा कट किया गया तो इससे एक स्क्वायर बनता है, 4 स्क्वायर बनते हैं नया, तो 12 हो गए, तो 12 स्मॉल स्क्वायर हो गए और 3 लार्ज स्क्वायर जो उस पर रखे गए हैं, टोटल हो गए 15 स्क्वायर। तो टॉपिक वाइज एनालिसिस में हम लोगों ने देखा कि सिंपल मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी से इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। 2016 में जो 7 क्वेश्चंस आए थे, 17 में, 18 में, सब कुछ सॉल्व किया, उससे हमें पता चला इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आई होप कि आप इस तरह के और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब नेक्स्ट है सॉल्यूशन और मोल कॉन्सेप्ट पे, तो इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, 3 क्वेश्चंस आए थे 2016 में, एंजाइमोलॉजी है, जीन कॉन्सेप्ट, इनहेरिटेंस है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सॉल्यूशन और मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, और साथ ही साथ एंजाइमोलॉजी से आए हुए क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। ये था टॉपिक वाइज एनालिसिस, ये था टॉपिक वाइज एनालिसिस प्रीवियस ईयर का, जिसमें हम लोगों ने सिंपल मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी के सारे क्वेश्चंस को देख लिए, उसको सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट है सॉल्यूशन और मोल कॉन्सेप्ट और एंजाइमोलॉजी, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे सॉल्यूशन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट और एंजाइमोलॉजी का जो भी क्वेश्चंस हैं उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं।
आइए एक नज़र देखते हैं कि सॉल्यूशन और मोल कॉन्सेप्ट से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो मोलरिटी में जैसे कि 50% ऑफ NaCl है तो उसका क्या मोलरिटी होगा, या कोई दो मोलरिटी का कोई सॉल्यूशन है उसको मिक्स करने तो मिक्सचर का क्या मोलरिटी होता है, या H2SO4 29% है तो मोलरिटी अगर दिया हुआ है तो किस तरह से डेंसिटी निकाल सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।